और एकदम खुले मन से, अगर गवर्नमेंट नहीं झुकती है, अगर गवर्नमेंट नियम नहीं बनाती है, तो फिर हमने स्पष्ट कहा कि अगली सरकार पराशर के पहाड़ में बनेगी और उसका जिम्मेवार गवर्नमेंट होगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं आपको तो जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी रांची विधानसभा के पास में हूँ। कहीं राज लगो हमने के शहादत से, हमने कोटा के शहादत से, बलिदान से राज बना लगा। मैक्सिमम जितना लोग विधानसभा ढूंढ लगे, पता नहीं आंदोलन करा लगे ना, दो चार बार करा लगे। आज करना तो कबर पापे कर लेते, बैठा के लेना है कर लो, तो आंदोलन के मतलब क्यों जानो ना। आज हमने के पहल खून है, जन लोग के लगे वो नाखून नहीं कटा ले, उलाज सरकार के चलाए रहा। अरे साहब, भाषा में डरक की जरूरत है, सुप्रिया भट्टाचार्य काम लगे रही। सुप्रिया भट्टाचार्य कहा लगाए सुना है, अपना धर्म पत्नी जेपीएससी की जैसे सिर है, जेपीएससी की अधिकारी अध्यक्ष बन गए ना। कट पाए हमें गर्दन, कट पाए हमार मांग के सिंदूर होते, हमार माए बहन बेटी के चूड़ी टूटते, चूड़ी शाखा टूटते, हमार घर की महिला के। आप सुप्रिया भट्टाचार्य के बहू बनाओ जेपीएससी के अध्यक्ष, अब 25 करोड़ का लूटपे कर ले तो कहां ला ले पूजा सिंह। झारखंड के तो नए हते, साफ भाषा में जान ले, झारखंड के मुख्यमंत्री को अपना कलेजन है लूटे गए। मधु को फसल ना, जांच कर ओकर सब आईएस और आईपीएस में फसवा दे। माला भला आदिवासी लोग अपना बुद्धि में है, 4000 करोड़ खाए के तो सही खाते देखा दादा। राज हमने लगो तो हम आज ज्यादा नहीं, आज शक्ति बाबू के जयंती लगे, आज शक्ति बाबू के जयंती लगाए। झारखंड के वो बहुत बड़ा युग पुरुष जे जनबात की कहले उठा शिकारू खुद भगे। शक्ति बाबू कहा थी ना कि एक पीढ़ी गोली खे तो एक पीढ़ी गोली खाएगी। शक्ति बाबू का कहना था कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरका पीढ़ी संघर्ष करेगी, तब तीसरका पीढ़िया राज करेगी। और गोली तो शक्ति बाबू खुदे खाए हैं भाई। शक्ति बाबू बोले ना कि गोली खाना होगा, अरे गोली तो शक्ति बाबू खुदे खाए। यानी जो लोग बोले हैं पहले वो लोग उसको अनुपालन भी किए, लेकिन नेता लोग बोलता है लेकिन करता नहीं। तो इसीलिए शक्ति बाबू बोले थे गोली खाने, वो स्वयं गोली खाए हैं। अगर हम लोग बोले हैं कि राज्य का निर्माण करना है और इसमें अगर बलिदान देना है तो पहला बलिदान इस भीड़ से होना चाहिए। तो ये हम लोग दूसरा पीढ़ी है, इटा हमने दूसरा पीढ़ी लगा। पहला पीढ़ी गोली खाई चुका हो, गोली खाई गलत झारखंड राज दे दला हो, इटा हमने के दूसरा पीढ़ी लगो, इटा के संघर्ष कर पे तो। और इटा जे हमने कर लेटा संघर्ष से लगो, कहां कहां बैरिकेडिंग लग लो, कहां कहां बैरिकेडिंग लगा, कहां कहां चेकिंग हुआ, कहां कहां पुलिस रोका, उसके बावजूद आप रात को पैदल चलते कोई 20 किलोमीटर कोई 25 किलोमीटर तक यहां आया और 3 दिन यही रहेगा, ये संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। हम लोग दूसरा पीढ़ी है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब प्रश्न रहा, अगर हमारे संघर्ष में एक तनी भी अगर ढील भेटो, एक तनी भी अगर चूक भेटो, तो हमने तीसरका पीढ़ी राज नहीं करतो बल्कि गुलाम भेजी। अगर हमने संघर्ष में हल्का सा भी चूक भे गलो तो तीसरा पीढ़ी गुलाम भेजी, कोई याद रखे। अगर हमने संघर्ष कर दे तो निश्चय ही तीसरा पीढ़ी राज का। और दुनिया के इतिहास रह रहे मांगले लोग के सट के ना, तो मांगले लोग ठीक नहीं रहे, भीख मांगा टेको रहा है देखो है, तब जाके लोग ठीक मिल रहे। इतना बड़ा अधिकार के तो बात कर रहे हैं, आसानी से मिलते अपना तो छोड़, विधान सभा जन जमीन में पूछी ना अगर जमीन लगे वो लखमन अभी पता नहीं खेतों रोपे पा रहे कि नहीं। विधानसभा जिनकी जमीन बना है आज वे लोग बेघर है, एचईसी जिनकी जमीन बना है आज वे लोग बेघर है। तो इसलिए भैया ये लड़ाई निर्णायक है, इस लड़ाई के लिए आपको बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। बस इतना जानिए कि हमारा बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा, इसलिए हमें बलिदान के लिए तत्पर रहना होगा। और आज एक बात निश्चय जान लीजिए, आज एक बात निश्चय जान लीजिए, आज सभी लोग प्रताड़ित है। देखिए हमारे बीच हमारी कितना दुख की बात है कि इनके मैंने जमीन विवाद में इनके पति का हत्या कर दिया जाता है, सरकार इंसाफ नहीं दे पाती है। तो हम लोग इस मंच के माध्यम से और हम लोग जितने लोग हैं आपके साथ हम लोग हैं और आपके इस मुद्दे को हम लोग निश्चय ही
सरकार के समक्ष रखकर हमने अपना जो लेटर हुआ है संज्ञान में देने के लिए उसमें राजभवन की तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया, साथ ही यह भी जिक्र किया गया कि जो लोग धरने में बैठे हैं इस राज्य में कभी बैठे हैं उस पर समीक्षा करें। तो इसलिए आज जो हमारा दो दिवसीय कार्यक्रम है यह मूलतः संवैधानिक एक सत्याग्रह के तर्ज पर ही आंदोलन है। जब इससे बात नहीं बनेगी तो स्पष्ट युवाओं की भीड़ बता रही कि अगला दिशा निर्देश और निर्णय क्या होगा, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मान के चलिए आपके पास अभी आज के सत्याग्रह के बाद अगला जो विधानसभा होगा 2 महीने 3 महीने का समय होगा, तब तक आप जाइए और खुद को तैयार कीजिए, एक भीषण युद्ध के लिए भीषण आंदोलन के लिए तैयार कीजिए, इससे भी बड़ा भीषण आंदोलन होगा। और एकदम खुले मन से अगर गवर्नमेंट नहीं झुकी है, अगर गवर्नमेंट नियम नहीं बनाती है तो फिर हमने स्पष्ट कहा कि अगली सरकार पराशर की पहाड़ में बनेगी और उसका जिम्मेवार गवर्नमेंट होगा। और उसके लिए आज जैसे ही हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम ये समाप्त होगा हम लोग रणनीति तैयार करेंगे कि अगला रणनीति क्या होगा। अगर तय होगी आर्थिक नाकाबंदी तो आर्थिक नाकाबंदी के लिए जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ा जो भी स्तर से गवर्नमेंट को झुकाने के लिए जो भी निर्णय लेना पड़ा जो भी हमें लगेगा उचित, और ऐसे भी उचित अनुचित कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता, उस सिचुएशन में उचित और अनुचित कुछ नहीं होता है, उस समय हम लोग वही करेंगे जो हम लोग को बुझाएगा आज। और आज तो खैर हम लोग 6 महीना से सरकार को तो थोड़ी खट्टी सुनाई रहे हैं, लेकिन आज रांची का पेपर पढ़ रहे थे देखे कि सेकंड पेज में विपक्ष का लोग बड़ा डांस कर रहा है, खचली उचली लेके बोल रहा है किसान के बारे में। अरे खतियान के बारे में तो मुंह सबके चुप है, खतियान के मामले में सबके बहुएं चुप है, अब किसान के बात कर इतनी मूर्ख सबके बताओ तो किसान इन खतियाने रहते घंटा कहाँ की कर। और पहला फोटो देख रहे हमने के उधर के विधायक लोग टाइगर खाते हम खलियार तो जखन बीजेपी में रहे तखन सही में टाइगर है, लेकिन बीजेपी अच्छा अच्छा टाइगर मैंने गला में पट्टा बांध दिया है, रिस्पेक्ट हमें माना हलिए जखन छोटा हलिए टाइगर नाम के सब विधायक के माना हलिए, हमने अगर फेसबुक आईडी बनवा ली तो पीछे में कवर में जरूर अपनी फोटो राइट करिए, महीना में 2 महीना में जरूर एक दिन अपनी स्टेटस राख वाली छोटा करी 4-5 साल पहले कि माना लिख चल भाई रियल टाइगर लगा, लेकिन जो खतियान के बात नहीं करते जो नियोजन हमने हित में बात नहीं करते और यहाँ कोई महत्व नहीं रखते। सबसे पहले ये सब तर्क दे कि नहीं झारखंड में मांग रहा 1932 के खतियान, जितना भी यहाँ युवा साथी सब हैं, जितने भी यहाँ युवा साथी हैं सबसे पहले उन सबों को 1932 का खतियान उसकी मांग क्यों रह रही है इसको समझना ही होगा। और हम चाहेंगे कि हमारे अगर दुग्धा से राजेश दाए हैं तो बस सामने चेहरा दिखाएंगे और बाकी ऐसे सबको हम लिस्ट आपको बोले कि कागज एगो फॉरवर्ड कर दीजिए एगो पेन और पेपर के साथ, और स्वयं जो लोग संबोधन करेंगे क्योंकि संबोधन अभी 3 दिन करना है सबको बारी बारी से संबोधन का मौका मिलेगा, लेकिन हम राजेश का नाम इसलिए लिए कि वो थोड़ा सा जमीनी बारी में गणचल सर्वे रीजनल सर्वे हमसे भी अच्छा जानते हैं, इसीलिए अगर वो आए हैं तो हमें चेहरा एक थोड़ा दिखाएंगे आओ आओ देख लो पूरे समय कल बात जाओ इतने जल्दी मत आओ 2-3 मिनट एक दिन 10 घंटा देते 10 मिनट हमें खत्म करके खोजें खाली देखा खोज खाली तैयार है कि नहीं